ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए शाइन विद भावना को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करिए ताकि आपसे कभी कोई मेरी वीडियो मिस ना हो पाए और आप उसे सबसे पहले देख पाएं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब, नीचे कमेंट जरूर करके बताइएगा। सो आज का वीडियो होने वाला है मेकअप बेस के ऊपर। काफी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि हमें कुछ ऐसा तरीका बताइए जिससे हमारा जो मेकअप है, जो बेस है, वो घंटों तक टिका रहे और मेकअप खराब ना हो। सो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप अपना मेकअप, अपना बेस कैसे लगाएं ताकि वो घंटों तक टिका रहे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करिएगा ताकि कोई वीडियो मिस ना हो पाए और आप सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें बेस कैसे लगाना है। सो बेस के लिए मैं जो जो स्टेप्स आपको बताऊंगी आपको वो फॉलो करने हैं ताकि आपका जो बेस है वो लॉन्ग लास्टिंग बने। और स्पेशली ये वाला जो बेस है आप समर्स में करें क्योंकि समर्स में हमारा जो मेकअप है वो बहुत जल्दी हट जाता है, फाउंडेशन बहने लगता है। तो कोशिश करिएगा ये वाला जो मेकअप ट्रिक है आप समर्स में जरूर ट्राई करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेकअप को स्टार्ट करने से पहले आपको तीनों स्टेप फॉलो करने हैं क्लीनिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग के। क्लीनिंग मैं कर चुकी हूँ, अब मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम द ब्रांड गुड वाइब्स और ये प्रोमो ग्रेड का टोनर है। सो काफ़ी सूदिंग है और बहुत ही रिफ्रेशिंग है और मैं इसको पैड ड्राई करूँगी। उसके बाद मॉइस्चराइज़र के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र क्योंकि ये बहुत ही क्यूपिड्स पो एंड शिन पर और जहाँ पर मैं कंटूर करती हूँ उससे नीचे। और आपको दोबारा वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है मेकअप सेटिंग स्प्रे से, आपको जहाँ पर आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करोगे वहाँ पर स्प्रे करना है, उसके बाद अपना कंसीलर को ब्लेंड करना है।
सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. अगर लगा है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक यू ऑल टेक केयर, बाय बाय.